नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्म सर आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7.2 सॉरी चैप्टर 7 का जो त्रिभुज सर्वांगसम वाला चैप्टर है या त्रिभुज का चैप्टर है और त्रिभुज का चैप्टर है और उसमें एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले हमने 7.2 और 7.3 की जो प्रमेय है उसका वीडियो बना दिया है। तो आप सभी बच्चों जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा, उस प्रमेय को नहीं समझा है, तो आप सभी लोग पुराने वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमेय को जरूर तैयार करें, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रमेय पर आधारित है। अगर आपको प्रमेय अच्छी तरह समझाया जाएगा तभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो आप सभी लोग 7.2 और 7.3 के जो है प्रमेय को अच्छी तरह से समझ लें। और आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर एक प्रश्नवली 7.2 का क्वेश्चन नंबर एक उसको हम करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। B और C के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक मतलब ऐसे और इसके समद्विभाजक ऐसे, ये है और ये है, मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर समद्विभाजक है। और यह OA OB दोनों एक दूसरे को O पे मिलते हैं और यहाँ से इसको मिला दिया गया। ठीक है, ओ को मिला दिया गया। तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। OB OC कोण B एवं C के समद्विभाजक हैं, ये समद्विभाजक हैं जो O पर मिलते हैं। तो सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है पहला OB बराबर OC, सी दूसरा यो कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है। अब आते हैं हल पे, देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, AB बराबर AC क्यों, ये पहले से दिया है, ठीक है। और हमने 7.2 प्रमेय पढ़ी है, उसमें यह बताया गया था कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो प्रमेय 7.2 द्वारा प्रमेय 7.2 यही है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के, ठीक है। तो या 1/2 कोण B बराबर 1/2 कोण C, अथवा देखो ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो जब कोण 1 बराबर कोण 3 के हो गया, अब त्रिभुज में ले लो OBC में
इसमें ले लेते हैं तो कोण एक बराबर कोण दो के सॉरी तीन के ठीक है। हमने ये कोण इस कोण के बराबर रहती है भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी अतः ओ बी बराबर ओ सी बराबर कोण की संभव भुजाएं बराबर होती हैं कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं ठीक है क्योंकि अतः ओ बी बराबर ओ सी ठीक है। अब इस तेज में ले लेते हैं ये भुजा इसके बराबर हो तो अब त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज ए ओ सी में इसमें और इसमें देखिए ए बी बराबर ए सी पहले से दिया है ठीक है। ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध किया है हमने ये यहां पे हमने निकाल दिया है तो ये भुजा इसके बराबर हो गई और ओ ए बराबर ओ ए ये जो है उभयनिष्ठ है एस 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 द्वारा त्रिभुज ए ओ बी ए ओ सी ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया अतः ओ ए बी बराबर ओ ए सी क्यों सी पी सी टी द्वारा सीपीसीटी से ये वाला इसके बराबर होगा ठीक है। और इस प्रकार OA कोण A का संधिभाजक ओके बच्चों तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था। आगे क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दो है आप क्वेश्चन को अपनी बुक में देखें। क्वेश्चन नंबर दो है कि त्रिभुज एबीसी में एबीसी में एडीबीसी का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक है कहने का मतलब हो गया ये एडी एक तो लंब है और दूसरे ये भुजा इस भुजा के बराबर इसको दो बराबर हिस्से में बांट रहा है। एडी त्रिभुज एबीसी का लंब समद्विभाजक है और ये बीसी को दो बराबर हिस्से मतलब बीडी बराबर डीसी के बांट रहा है ठीक है। तो दिखाना है कि ये त्रिभुज समद्विभाजक त्रिभुज है और साथ में ए बी बराबर ए सी के जब समद्विभाजक होगा तो अपने आप भुजा बराबर आ जाएगी। तो दिया क्या है त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी है तथा बी डी बराबर टीसी के इसके बराबर है। सिद्ध करना है कि ए बी बराबर एसी एसी एवं त्रिभुज ए बी सी समद्विभाजक त्रिभुज है ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में बच्चों क्या है कि ए डी लंब है कहने का मतलब ये 90 का कोण बन रहा है और ये इसके बराबर है। अब आते हैं हम हल पे AD लंब BC
अतः कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी और ये बराबर हो गया 90 डिग्री का, ये दोनों कोण 90 का हो गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए डी सी में हम इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं क्या, देखिए ये इसके बराबर है, बी डी बराबर है डी सी के, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, ए डी लंब समद्विभाजक है, ठीक है। और कोण ए डी बी बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कोण ए डी सी और ये है 90 डिग्री का, ठीक। और ए डी बराबर है ए डी के, क्यों ये उभयनिष्ठ है, तो क्या हो गया भुजा कोण भुजा एस ए एस द्वारा त्रिभुज ए डी सी ए डी बी ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। और आपको पता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इस प्रकार ए बी बराबर हो गया ए सी के, क्यों सी पी सी टी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती तो समद्विभाव त्रिभुज होता है, अतः त्रिभुज ए पी सी एक समद्विभाव त्रिभुज है, ठीक है। तो फिर बच्चों आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक और दो खूब अच्छी तरह से समझ लिया, आशा करता हूँ कि आपको खूब अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपसे बार बार निवेदन है कि आप 7.2 7.3 और इससे पहले की फर्मे और सभी सर्वांगसम के नियमों को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि उन सभी का यहाँ पर यूज किया जाता है रेखागणित में। आशा आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान समझें, सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और वीडियो पर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।